नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। तो नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जो अपर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 2023 का, उसके लिए हमने पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट किए हैं और आज से हम अपनी पेड क्विज पे एक वीडियो सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो पेड क्विज में क्वेश्चंस कराते हैं आपको वीडियो फॉर्मेट में, उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताएंगे, जहां पे जिन क्वेश्चंस में डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको बिल्कुल बताया जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पिछले भी 2022 के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए। तो उसी क्रम में हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको अगर हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको फ़ोन नंबर दिए होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जब तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में हम क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा इजी रखेंगे, धीरे धीरे इनकी जो डिफिकल्टी है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सके, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखेंगे तो इनके जो भी रेस्पेक्टिव क्षेत्र हैं अगर उनको कह लीजिए कलेक्टिव रूप से देखा जाए तो ट्रायंगुलर शेप जो है ये बनती है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चंस को हम दोनों भाषाओं में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं आप यहाँ पे बेनिफिट होगा आपको। इसमें है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यानी कि जो आज की डेट में आप तराजू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को मीजर करने के लिए, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी थी। तो ये खोज हमें कहाँ पर मिली है, तो स्मॉलेस्ट कह लीजिए जो उनके मीजर का डिवाइस होता था है ना, वैसी कुछ खोज जो है लोथल से मिली है, जो हमारा एक पोर्ट सिटी था यहाँ जो वर्तमान का हमारा गुजरात है, ठीक है, यहाँ से। इसमें है कौन सा हड़प्पी नगर जो है तीन भागों में विभक्त था, तो ज़्यादातर आप जो हड़प्पन सिटीज देखेंगे मुख्य रूप से दो भागों में था, कुछ अर्बन एरिया और कुछ कह लीजिए रूरल एरिया, ठीक, परंतु तीन भागों में था। एक जो ये जैसे किले होते थे तो उनका दुर्ग होता है ऊंचा क्षेत्र, तो एक दुर्ग वाला हिस्सा, फिर मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन, तो इस तीन भाग में विभक्त था धौलावीरा। लोथल जो सिटी थी, ठीक है, इंडस वैली की, तो किस नदी के किनारे थी, तो ये जो नदी थी यहाँ पे भोगवा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अलग अलग जो एविडेंसेस मिले हैं इनके बारे में पूछा जाता है, पूरी लिस्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। इसके रेफरेंस में 2020 में यूपीएससी ने भी एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो ये वाटर मैनेजमेंट संबंधित था धौलावीरा से। इसमें देखें युग्म शवाधान, यानी कि एक युग में पुरुष और महिला है ना, उनकी बॉडी को इनका ब्यूरियल जो मिला है इसका एविडेंस ये भी लोथल से मिला है। अब इसमें देखिए युग्म दिए हुए हैं, हड़प्पी स्थल हैं और वर्तमान का जो राज्य है भारत का उससे उनको युग्म किया गया है, तो आलमगीरपुर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, रोपड़ जो है वो पंजाब से संबंधित है। इसमें देखिए हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, किस हड़प्पा स्थल से, तो कालीबंगा राजस्थान में जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, और ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि दो फसलों को, अलग अलग फसलों को एक साथ भी उगाया जाता था। इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी ये बताना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अर्बन सेंटर के रूप में जाना जाने वाला हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ का जो पंजाब प्रोविंस है उसमें, तो सबसे पहले इसकी खोज और इसकी जो एक्सकेवेशन वगैरह किए गए 1921 में, कौन किसके द्वारा, दयाराम साहनी, ठीक। अब इंडस वैली का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो अभी आपको बताया गया कि हड़प्पा जो है, ठीक है, ये नदी का भी किनारा, इसमें ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे जो है स्थित है, ठीक।
बाकी कालीबंगा आपको बता दिया गया राजस्थान में है, लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, तो मेटल से ये लोग परिचित थे, कॉपर से, गोल्ड, सिल्वर, परंतु यहाँ से कहीं से भी आयरन की प्राप्ति नहीं हुई है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में से एक महान स्नानागार जैसे वर्तमान में पूल होता है, ठीक है, तो वैसे ही कुछ आकृति का, ठीक है, ये स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फोर्टिफिकेशन में है ना, ये जो मिट्टी से बने हुए ईंट हैं इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ है कालीबंगा में, है ना, तो यहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं। विकल्प हम डी जो है इसको चुनेंगे। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य जो है सूचित हुआ है? तो चावल उगाने के एविडेंसेस मिले हैं हमें इन दिए हुए विकल्पों में से रंगपुर और लोथल, है ना, गुजरात के जो साइट्स हैं यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं दोनों से। सी विकल्प को चुनेंगे, लोथल को भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो पुरास्थल है वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट देखेंगे इसमें से, तो ये है ये आपका राखीगढ़ी, ठीक है, ये वर्तमान का जो हरियाणा स्टेट है यहाँ स्थित है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज स्टैचू जो मिला था, एक नर्तकी की आकृति बनी हुई, ये मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित एक और स्थल है दधेरी, तो ये जो है वर्तमान के किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये है दधेरी, पंजाब से संबंधित। लोथल के बारे में आपको कई बार बता दिया, अभी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अब इसमें है सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से होना चाहिए वैसे, ठीक है, कोई नहीं, फर्स्ट मेटल जो यूज किया गया तो ये हो जाएगा तांबा। अब किस स्थान पर हड़प्पन समय के एक रथ की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई थी? तो ये स्थल है आपका दायमाबाद, जो वर्तमान आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, इस राज्य से संबंधित था। इसकी डिस्कवरी जो है दायमाबाद की अराउंड 1958 के आसपास जो है की गई थी। इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में अभी हमने देखे हैं और फैक्ट देखे हैं, तो ये पूरा ही टॉपिक अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि डिले हो जाता है आपको तो फिर याद नहीं हो पाती चीज़ें, आप को रिलेट नहीं कर पाते, ठीक। तो यहाँ पे फैक्ट के तरीके हमने आपको बता दिया है, बट डिटेल में साथ के साथ आप पढ़ते चलिएगा। अब यहाँ पे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस लिखी हैं, तो कौन सा सभ्यता जो इसमें से अगर होगी वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो टाउन प्लानिंग के लिए सबसे फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब शोरतू घई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो ये है किस देश में स्थित है वर्तमान के? तो नॉर्दर्न पार्ट आप देखेंगे अफगानिस्तान का, ठीक, यहाँ की एक साइट है ये। इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस गुजरात के स्थलों के बारे में देख लिया, तो लोथल, धौलावीरा, सुरकोटिडा, ये सब गुजरात में थे। दायमाबाद अभी बताया गया आपको कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भारतीय पुरातत्व का जनक, है ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो किसे कहा जाता है ये? तो 1861 में ब्रिटिश टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है, और पहले डायरेक्टर जनरल ये हुए, तो यहीं से इनको जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा बेसिकली एक कह लीजिए पक्की मिट्टी से बनी हुई आकृति है ना, इसको रेफर करते थे। तो हल का जो ये प्राप्त हुआ हमें यहाँ से आपका बर्नावली से, है ना, वर्तमान जो आपका ये हरियाणा राज्य है उसके हिसार जिले में ये साइट स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन से युग की सभ्यता थी? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ज़्यादातर हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें कांस्य जो है उससे बनी हुई वस्तुएँ हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है इसको माना जाता है। मांडा स्थल जो है किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो ये भी क्वेश्चन मांडा के बारे में पूछा जाता है कई बार कि नॉर्दर्न मोस्ट जो है साइट इंडस वैली की कौन सी थी, तो मांडा है, ठीक। पीर पांजाल रेंज के फुटहिल्स में आप देखेंगे तो चिनाब नदी जो है, ठीक है, इसके बैंक्स पे संबंधित था मांडा स्थल।
चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था इसमें से? तो पाकिस्तान का एक स्थल चनहुदड़ो जो है सिंध रीजन का, इसके उत्खनन में दो लोगों का नाम आता है। पहली बार जो है एनजी मजूमदार के अंतर्गत 1931 के टाइम पीरियड में किया गया था, और इन दिए हुए विकल्पों में से जे एच माइके जो भी है यहाँ पे है ना, एक बार इसको नाम को कन्फर्म कीजिएगा। इनके जो है निर्देशन में ये अराउंड 1935-36 में किया गया था, ठीक है, दूसरी बार। ठीक, तो यहाँ पे सी विकल्प हम चुन लेंगे क्योंकि जो है यही नाम हिमसर में मिल रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो हालांकि आज़ादी के पहले से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हमने अभी बात किया ऊपर 1921 से जो ये चीज़ें स्टार्ट हुई, तो इंडिपेंडेंस के बाद अभी जिसे स्टार्टिंग से हम देखते हैं ना कि गुजरात के कई सारे स्थल में मिले, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो ये इनकी खोज हुई है गुजरात से ही हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थलों की। अब है कि किस सिंधुकालीन स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो अभी हमने बात की चनहुदड़ो की, ठीक है, ये एविडेंस जो हमें मिलता है चनहुदड़ो से ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, डायरेक्ट ही ऐसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ पूरी इंडस वैली के जितने भी ये टॉपिक्स हैं प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इसको। अब आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारे चार हैं, ठीक है, सबसे पुराना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें देखें कि कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? तो इन टर्म्स को ध्यान दीजिएगा, ये रेफर किए जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के संदर्भ में। ठीक, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, नेशनल एम्बलम जो है उसमें आप देखते हैं कि नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो किस उपनिषद से इसको लिया गया है? तो वेदों के संबंध में जब हम वैदिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप उपनिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, है ना, तो ये फ्रेज इसमें मेंशन है, तो यहाँ से हमने लिया है अपने राष्ट्रीय चिन्ह में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो ये है ना आपका सामवेद, ये मोस्टली आप देखेंगे तो म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो इसको ही कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि 12 जनवरी को विकसित युवा विकसित भारत इस थीम के साथ 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो हालांकि अब ये आयोजन हो चुका है और आपको पता है कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, ठीक है, विवेकानंद जी की जन्म जयंती जो है उसके अवसर पर, तो 12 से 16 जनवरी के मध्य यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम देखिएगा विकसित युवा विकसित भारत, तो ये किया गया था कर्नाटक में और इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक, तो इस सारे फैक्ट्स को ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय सेना उत्तराखंड के किस जिले में पहला ऑल एज ऑल वेदर, है ना, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो या किसी भी मौसम में कोई भी मौसम हो तो उस कंडीशंस में भी एबल हो रनिंग ट्रैक, है ना, इसको बनवा रही है। तो इसमें ध्यान देंगे भारतीय सेना के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जसवंत सिंह ग्राउंड में, है ना, कैंट एरिया देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने राज्य की पहली टनल पार्किंग कहां पर बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसको जो है जनवरी 2023 में ही अप्रूव किया गया है, ऐसी टनल पार्किंग बनाई जाएगी जो मसूरी का कैंपटी एरिया है, ठीक है, यहां पे। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल, है ना, इनको पर्यटन मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जो है इसमें ये ध्यान रखिएगा कि 2020-21 का प्राइज अभी दिया गया है 2023 के स्टार्टिंग में, और ये मिला है डॉक्टर अरुण कुकसाल जो कि उत्तराखंड के हैं, और इनकी एक पुस्तक है साथ चले पहाड़, है ना, इसके लिए दिया गया है, तो इस यहाँ पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है? तो अभी जनवरी में ही 2023 में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया, और उसी क्रम में सिल्वर मेडल दिया गया है रुद्रप्रयाग को, ठीक है, यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा कब से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो हालांकि आयोजन हो चुका है ना, रोड सेफ्टी वीक जो है,
ये 11 से 17 जनवरी 2023 के मध्य, तो इसमें डेट याद रखेंगे और मंत्रालय का नाम। हाल ही में केंद्रीय होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मात्रा में है, कोई बात नहीं। मंत्रिमंडल ने किस शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी संस्थान का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन किए जाने को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये सेंटर जो है आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता में स्थित है, तो यहाँ पर इसको रीनेम किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, ठीक। तो यहाँ पे अभी ये जो आंकड़े इनके द्वारा दिए गए सीबी के द्वारा, उसमें बताया गया कि दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित था, और PM2.5 जो पॉल्यूटेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें बताया गया कि 99.9 माइक्रोग्राम जो है पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में इसकी मात्रा थी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली जो है, ये नाम याद रखना ज़रूरी है। एक फिल्म साउथ इंडिया की अभी बनी थी RRR, तो उसमें एक गाना था नाटू नाटू, तो इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एक पुरस्कार जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स मोशन पिक्चर, ठीक। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अवार्ड मिला था इंडियन मूवी को। और इसमें अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर जो है वो कौन है, तो जैसे बाहुबली जैसी फिल्म जो बनी है ना, तो वो बनाने वाले हैं SS राजामौली, वही इस फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक छेरा महोत्सव मनाया गया, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल का एक रूप होता है ये, छत्तीसगढ़ का। हाल ही में प्रोफेसर KK अब्दुल गफार की आत्मकथा न जान सखी करके इसका टाइटल है, इसका विमोचन किसने किया, तो टेक्नो एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर KK अब्दुल गफार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी न जान सखी जो, तो इसको इनॉग्रेट किया था हमारे ये पूर्व कप्तान क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा इस इवेंट के बारे में। अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन निकालने वाला देश का पहला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन में, उसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है एज अ फ्यूल, तो ऐसा एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है पुणे में। हाल ही में किस संस्थान ने वार्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है, तो इस अवार्ड को ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कई बार लिखा मिलेगा आपको, इसको कहा जाता है ऑस्कर ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो ये अवार्ड जीता है भारत के IIT मद्रास ने, ठीक। नाम दोनों इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं प्लीज़ उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे उसको कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।